हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे घरों में गैस चूल्हा उपयोग होता है उसके कॉक में कौन से नंबर का जेट लगा होता है। तो पहले हम कॉक के बारे में जान लेते हैं कि हमारे घरों में जो गैस चूल्हा उपयोग होता है उसमें कितने टाइप का कॉक लगा होता है। देखिए दोस्तों, इसे हम कॉक कहते हैं। यही गैस चूल्हा का मेन पार्ट होता है। गैस चूल्हा चाहे कितना भी बड़ा या छोटा बर्नर वाला हो, लेकिन सभी में एक ही टाइप का कॉक लगता है। इसमें जो जेट लगता है उसे हम अलग अलग नंबर का लगा सकते हैं बर्नर के हिसाब से। जब इसे आप खरीदेंगे तो आपको इसका जेट अलग से खरीदना होगा, इसके साथ में जेट नहीं होता है। अब आपके मन में यह कंफ्यूजन होगा कि इसमें हम कौन से नंबर का जेट लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, घरेलू गैस चूल्हा में यही 4 नंबर का जेट लगता है। इसमें का ये वाला 58 नंबर का है, ये 65 नंबर का है, ये 77 नंबर का है और ये 85 नंबर का है। यही चारों जेट जो है घरेलू गैस चूल्हा में उपयोग में लिया जाता है। इसका नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही जेट का होल जो है बड़ा होता जाएगा। जैसे कि ये वाला जेट 58 नंबर का है तो इसका जो होल है वह सबसे छोटा है। इसे हम घरेलू गैस चूल्हा के छोटे बर्नर वाले कॉक में लगाते हैं। बर्नर के साइज के हिसाब से ही जेट को लगाना होता है। बर्नर भी 4 टाइप का आता है घरेलू गैस चूल्हा में। अगर आपके गैस चूल्हे का बर्नर थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसमें 58 नंबर जेट के जगह पर ये 65 नंबर का जेट लगा सकते हैं। इसका होल जो है 58 नंबर जेट से थोड़ा सा बड़ा है। जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका होल भी बड़ा होता जाता है, और जब इसका होल बड़ा होगा तो इससे ज्यादा गैस भी बाहर निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जेट जो है 77 नंबर का है। इसे हम घरेलू गैस चूल्हा के बड़े वाले बर्नर के कॉक में लगाते हैं। यह 77 नंबर जो है घरेलू गैस चूल्हा के लिए काफी बड़ा साइज है। घरेलू गैस चूल्हा का जो बड़ा वाला बर्नर होता है उसके कॉक में या तो 77 नंबर का जेट लगता है या फिर ये 85 नंबर का जेट लगता है। इससे बड़ा जेट भी आता है दोस्तों, लेकिन इससे बड़ा जेट कभी भी घरेलू गैस चूल्हा में काम में नहीं लिया जाता है। घरेलू गैस चूल्हा के लिए यह 85 नंबर का जेट लास्ट है, क्योंकि इसके होल का जो साइज है वह घरेलू गैस चूल्हा के लिए काफी बड़ा साइज है। अब बहुत से भाई लोग ये भी सोचते हैं कि घरेलू गैस चूल्हा का जो कॉक होता है उसका साइज भी छोटा बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कॉक का साइज एक ही होता है, लेकिन इसमें जो जेट लगता है उसका साइज नंबर के हिसाब से छोटा बड़ा होता है। तो आप इसे अपने गैस चूल्हा के बर्नर के हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकते हैं।